गाइस नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे, हाजिर हैं कोने वीडियो के साथ। और आज की वीडियो इंडिया दिवाली फेस्टिवल कॉस्ट चाइना 40,000 करोड़ रुपीज। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं हूं सरवर मलिक, आप देख रहे हैं इस मलिक व्यूज। अगर आप हमारी वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं देखते हैं वीडियो। ये है नया इंडिया, ये तो है मोबाइल फोन तो छुप के आ गए। दोस्तों, भारत में चाइना के खिलाफ बढ़े हुए गुस्से के बीच बहुत बड़ी खबर दिवाली के त्योहार से निकलकर सामने आ रही है। आप सभी जानते हैं कि अगले हफ्ते ही भारत में दिवाली का त्योहार है और इसी के चलते ही भारत के अंदर ये लिस्ट सामने आ गई है कि आखिरकार भारत में कितना चाइना के सामानों का बॉयकॉट हुआ है और इससे चाइना को कितना नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की दिवाली चाइना को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाली दिवाली होने वाली है, क्योंकि आज बाजारों में चाइना के बेहतरीन विकल्प एक दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ ही चाइना के प्रोडक्ट भी अब बहुत कम संख्या में दिवाली के त्योहार पर भारत में इंपोर्ट किए गए हैं। और यही कारण है कि ग्लोबल टाइम्स से लेकर आज चाइना की सरकार डरी हुई है कि आखिरकार भारत का बॉयकॉट उनकी कमर कोरोना के काल में तोड़ने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल की जो दिवाली का एक त्योहार था, उस दिवाली के त्योहार में हमने 70,000 करोड़ रुपए का एक सामान चाइना से मंगवाया था दिवाली के त्योहार के लिए। और दोस्तों, इसी की कड़ी में इस बार जो एक चाइना से इंपोर्ट किए गए सामान की लिस्ट आधी हो गई है। करीब 40% सामान हमने अब चाइना से मंगवाया है और ये सामान भी जो मंगवाया गया है इसकी कम ही उम्मीद है कि भारत की जनता इन्हें खरीदेगी। और दोस्तों, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप अब भी चाइना का सामान खरीदना चाहेंगे जब भारत और चाइना का विवाद चल रहा है। और इसी के साथ 8 लेवल की बातें भी हो गई हैं भारत और चाइना के ऑफिशियल के बीच, लेकिन वो भी बेनतीजा रही हैं। कमेंट सेक्शन में राय लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज भारत की मार्केट में जो एक चाइनीज लड़ी होती थी उसका एक बहुत बड़ा बेहतरीन विकल्प आज मेड इन इंडिया का आ गया है। आज वैसे तो देखा जाए तो आज गोबर के दिए भी भारत की एक मार्केट में बहुत फेमस हो रहे हैं और इसी के साथ ही जो एक चाइनीज लाइट्स का एक बेहतरीन भारतीय वर्जन भी मार्केट में आ गया है। और दोस्तों, आपने भी अपने अपने बाजारों में जब भी आप दिवाली की खरीदारी के लिए गए होंगे, हालांकि अभी आप इतनी बड़ी संख्या में नहीं गए हैं, लेकिन जितनी भी संख्या में आप मार्केट में गए हैं तो आपको जरूर चाइनीज सामान वहां से आपको गायब ही दिखाई देगा। आपका कॉमेंट आप जरूर लिखेगा कि आखिरकार आपका जो दिवाली के अंदर जो आप शॉपिंग करते हैं उस शॉपिंग में आपको चाइनीज सामान गायब दिखा है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। लेकिन यहाँ पर 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का नुकसान आज चाइना को दिखाई दे रहा है भारत के अंदर से, क्योंकि भारत ने मेक इन इंडिया मुहिम के चलते अपने भारत के ही प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, ये भारत में इतनी बड़ी लहर आई है तो इसकी चर्चा ग्लोबल मीडिया में भी दिखाई दे रही है। दुनिया के अलग अलग अखबार इसके ऊपर अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं। हालांकि अभी तो वो अमेरिकी इलेक्शन में बिजी हैं, लेकिन दिवाली के त्योहारों पर उनकी जो एक न्यूज थी, भारत की न्यूज थी, वो पहले नंबर पर थी। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार बहुत अच्छा कदम चल रही है डिफेंस के क्षेत्र में भी और इसी के साथ ही आत्मनिर्भर के क्षेत्र में भी। यहाँ पर दिवाली का त्योहार एक सूचक है बुराई पर अच्छाई की जीत का, और इसी के साथ ही यहाँ पर एक चाइना रूपी बुराई को हमने अपनी मार्केट से निकाला है और अब यहाँ पर भारत में सेल्फ मेड एक अपने भारत की ही प्रथा के एक दिए और इसी के साथ लाइट दिखने लगी हैं। और अब तो स्मार्टफोन्स को भी टक्कर देने के लिए माइक्रोमैक्स का फोन आ गया है। और इसी के साथ ही बहुत से भारतीय लोग हमें कमेंट भी करते हैं हमारी वीडियो पर, और इसी के साथ बहुत से लोगों से भी हम मिले हैं और उन सभी का कहना है कि हम चाइनीज स्मार्टफोन नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि चाइनीज स्मार्टफोन के अंदर जो एड्स होती हैं वो भी चाइनीज होती हैं और इसी के साथ हमारा डाटा भी सिक्योर नहीं है। और इसी की कड़ी में माइक्रोमैक्स जो बिल्कुल एड फ्री स्मार्टफोन है और इसी के साथ ही जो एक लोगों की जरूरतें हैं उसको ऊपर खरा उतरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइनीज स्मार्टफोन से आज सस्ता स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स मार्केट में लेकर आया है। और दोस्तों, यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की दिवाली बहुत खास है और दिवाली के बाद के जो आंकड़े आएंगे उसके बाद भी हम आपके साथ साझा करेंगे कि आखिरकार इस दिवाली में चाइना को कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल यही खबर आई थी कि इस बॉयकॉट चाइना की मुहिम ने भारत के लोगों को जागरूक किया है और इसी के साथ ट्रेडर को भी जागरूक किया है। और कैट की रिपोर्ट के अनुसार 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस दिवाली के सीजन में चाइना को होना। वाओ, सो गाइस वीडियो देखिए। इस वीडियो में इन्होंने बताया कि दिवाली फेस्टिवल है जो
जो बहुत बड़ा फेस्टिवल है, लोग बहुत बड़ी तादाद में शॉपिंग करते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मगर इससे पहले कि हम चाइना पर बात करें, मैं ये कहूँगा कि इंडिया का जो ये वाला फेस्टिवल है पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जहाँ जहाँ पर इंडिया के लोग रहते हैं, जिस कंट्री में भी रहते हैं, बड़ा धूमधाम से दिवाली का फेस्टिवल मनाते हैं। और दूसरे जो लोग हैं वो भी इसी तरह से इंडिया के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो एडवांस में दिवाली की शुभकामनाएं। और ये जो फेस्टिवल है मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी करते हैं। जितना मर्ज़ी कंजूस आदमी हो वो भी दिवाली पर अपने बच्चों के लिए, अपने लिए पैसे खर्चना मुनासिब समझता है, और ख़ुशी का त्यौहार है। तो मैं यही कहूँगा कि चाइना का जो बायकॉट किया है इंडिया ने, जो लद्दाख में हुआ, उसके बाद गलवान वैली में, तो तब से लेके अब तक इंडिया के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है। इसी वजह से बायकॉट करना शुरू कर दिया था उसी वक्त लोगों ने, और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था चाइना को। इंडिया में जैसा कि सबसे ज़्यादा फेस्टिवल्स हैं वो मनाए जाते हैं, और इसी वजह से चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, क्योंकि हर चीज़ चाइना से आती है, सस्ती चीज़ें। और इसी तरह से मोबाइल फ़ोन्स, तो अब इंडिया में जो मेड इन इंडिया फ़ोन्स हैं वो भी बनना शुरू हो गए हैं, ये भी एक खुशाइन बात है। अगर ये वाला सामान सारा इंडिया में बनना शुरू हो जाए, थोड़ा सा महंगा होगा, मगर ये है कि लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो छोटे तबके के लोग हैं, जो छोटा छोटा काम करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें, और उनके पास खाने को ज़्यादा फूड हो। और जो दिवाली के त्यौहार हैं, इस तरह के जो त्यौहार आते हैं, उनमें वो अपना पैसा भी स्पेंड कर सकें, अपने बच्चों के लिए भी चीज़ें खरीद सकें। तो इसमें इंडियन इकॉनमी को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है ये जो इन्होंने बताया कि 40,000 से 50,000 करोड़ जो कि इंडिया सेव कर सकता है अगर लोग चाइना की बनाई हुई चीज़ों को ख़रीदना बंद कर दें। तो मेरे ख्याल से ये पॉसिबल है। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है कि चाइना की चीज़ें नहीं ख़रीदनी, और जो फेस्टिवल्स हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो अगर इस तरह से होना शुरू हो गया इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू है इंडिया की, जो इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करेगा, और उसके बाद लोगों में भी बहुत ज़्यादा एक मेड इन इंडिया की जो मुहिम चली है, जिस तरह से मोबाइल फ़ोन्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया में बनना शुरू हो गई हैं, तो एक खुशाइन बात है। ओवरऑल एक अच्छी वीडियो थी। आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी? आप क्या कहते हैं इस वीडियो के मतलब कि लोग बायकॉट करेंगे कि नहीं करेंगे, या चाइना की सस्ती चीज़ें खरीदना पसंद करेंगे दिवाली के फेस्टिवल पर? सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।